सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, मेरा नाम है समीर और हम लोग 12th क्लास की कंप्लीट इकोनॉमिक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं आपके हमारे प्यारे से चैनल फैमिकॉन पर। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज अपनी क्वेरी, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए। सो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? और उसमें सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे तीन एक्टिविटीज का इंक्लूजन रखते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये कंसेप्ट तीन एक्टिविटीज पर डिपेंड है, यानी वो एक्टिविटीज जिनके बगैर हम इकोनॉमी की एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एक्टिविटीज। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड जनरेशन ऑफ इनकम, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर। अब देखो, जब मैं कहता हूँ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है उसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ में जब वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहा होगा। दे आर यूजिंग सम टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए लेबर है, लैंड है, व्हाटएवर, मान लीजिए लेबर ही है। तो अब वो लेबर को यूज कर रहा है तो लेबर की पेमेंट भी हो रही होगी इन टर्म्स ऑफ वेजेस। तो जब वो लेबर को पेमेंट दे रहा है तो उससे इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है, यानी इसकी कनेक्टिविटी इससे हो गई, इकोनॉमी के अंदर हमारी इनकम जनरेट हो रही है। अब वो इनकम जनरेट हो रही है, जनरली जब भी कोई लेबर काम करते तो उसके रिटर्न में वेजेस मिलते हैं। बट वो इनकम का लेबर करेगी क्या, वो इनकम का लेबर करेगी क्या, या वो पीपल करेंगे क्या? वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द इकोनॉमी, फ्री में नहीं बांटेंगे, डोंट वरी। उसके बेसिस पे वो अपनी डिमांड क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा, ड्यू टू इनकम इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी, और जब डिमांड जनरेट होती है तो मतलब लोग खर्चा करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, इसके बाद में लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, नो डाउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, जब मैं कहता हूँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन गुड्स पे होते हैं जिससे जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं और कंज्यूमर उनको कंज्यूम करके जनरली अपनी लाइफ सर्वाइव करता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो उस टाइप के गुड्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन काफी बड़ा होता है, जिनका लाइफ स्पेन काफी ज्यादा होता है, राइट? जैसे कार, व्हीकल, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। तो जनरली वो एक्सपेंडिचर करता है। अब वो जिन चीजों के पे खर्चा कर रहा है वो चीज मार्केट में प्रोड्यूस हुई भी होंगी और नहीं हुई भी होंगी, तो दोस्तों वो फिर से जाके प्रोड्यूस इकोनॉमी के अंदर होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का सर्कल चल गया, क्या? प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से फिर से प्रोडक्शन। अब ये बहुत ही बड़ा डाउट है हमारी इकोनॉमी को कि कौन सी चीज पहले है। ध्यान रखना, ये एक ऐसा टॉपिक है, जनरली ये एक्सी एक्टिविटीज, दीज आर दी एक्टिविटीज, दीज आर दी एक्टिविटीज। ध्यान रखना, ये इकोनॉमी की वो एक्टिविटीज हैं जिनका सर और पैर नहीं है। आप बोलोगे सर और पैर नहीं है, मतलब ना तो आप इनकी बिगिनिंग बता सकते हो और ना ही आप इनका एंड बता सकते हो, तभी इस टॉपिक को हम लोग सर्कुलर कहते हैं, क्योंकि इस सर्कल में तुम देखो ना, यहाँ से फिर वापस हो गई, तो इस सर्कल में चल रहा है, तो ये ना सर्कुलरिटी है, ये सर्कल में बातें हो रही हैं, क्योंकि सर्कल एक ऐसा डायग्राम होता है जिसका ना तो बिगिनिंग आप बता सकते हो ना ही आप उसको एंड बता सकते हो। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? जैसे क्वेश्चन हमारी इकोनॉमी में बहुत घूमा था दुनिया में, और आज भी वो क्वेश्चन शायद कहां तक रहेगा कि पहले क्या है, मुर्गी या अंडा? इसका कोई आंसर दे पाया, कोई नहीं दे पाया। ऐसे आप इसका भी आंसर नहीं दे सकते कि इन तीनों में से पहली चीज क्या है। आप बोलते सर इनकम है, इनकम कहां से आई होगी?
आपने गुड्स को प्रोड्यूस करा होगा, आप बोलो सर ठीक है, फिर प्रोडक्शन सबसे पहले क्यों प्रोडक्शन कर रहे हो? किसी ने आपकी गुड की डिमांड करी? भाई मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप डिमांड करते हुए तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, किसी ने आपकी गुड की डिमांड करी? हाँ करी। तो अगर डिमांड करी इसका मतलब उसकी जेब में पैसे रहे होंगे, यानी वो खर्चा कर रहा होगा, यानी वो खर्चा कर रहा होगा, तो इसका मतलब खर्चा पहले हो रहा है। खर्चा पहले हो रहा तो खर्चा कहाँ से हो रहा है? खर्चा तभी हो रहा होगा जब जेब में इनकम है। जेब में इनकम है तो इनकम कम मिलेगी, इनकम तब मिलेगी जब वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। यानी नो वन एक्सप्लेन अबाउट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसे सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है आपको मेरी? तो जनरली अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रोडक्शन आ गया। अब इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, जनरली प्रोडक्शन, ठीक है, मान लीजिए आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोल दिया, या के बाद आपके इनकम जनरेट होगी, ठीक है, और यहाँ इसको आप एक अलग मान लो, और यहाँ आएगा आपका दैट इज एक्सपेंडिचर, यहां से ये होगा और फिर यहां से ये होगा। तो सो दिस इज द सर्कुलर पार्ट। एक तो बात हो गई है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है, भले ही वो प्रोडक्शन हो या वो इनकम हो या वो एक्सपेंडिचर हो, वो कोई सी भी एक्टिविटी हो, ध्यान रखना हर एक्टिविटी कॉज भी होगी और कॉन्सिक्वेंस भी होगी। क्या बोला मैंने? हर एक्टिविटी कॉज भी होगा और कॉन्सिक्वेंस भी होगा, यानी आप कह सकते हो ईच एक्टिविटी इज कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस। समझ में आ गई मेरी बात? हर एक्टिविटी कॉज भी होगी और कॉन्सिक्वेंस भी होगी, और ध्यान रखना हर एक्टिविटी आपस में एक दूसरे के से कनेक्ट भी होगी, बगैर कनेक्शन। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट दीज एक्टिविटीज वी नेवर से दैट द इकोनॉमी एग्जिस्टेंस इज वैलिड और नॉट। हम इकोनॉमी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी बात ही नहीं कर सकते बगैर इन एक्टिविटीज के। समझ में आइए मेरी बात आप लोगों को? तो इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। अच्छा, इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को जो है वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं एक शॉर्ट नोट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप प्लीज उसको नोट करिएगा, ठीक है। मैं भी आपको इस तरफ करके वो नोट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप प्लीज उस नोट को जरूर नोट करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे छोटा सा नोट लिखा है, आप प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी बोर्ड पे लिखने में समय लगा है, थोड़ा सा समय आपको भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस आप रीड करके छोड़ दो, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट बहुत मेनर बातें मैंने इसके इस नोट में लिखी है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द अनएंडिंग, मतलब जिसका कोई एंड नहीं होता, फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर विच इन्वॉल्व डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर? छोटी सी बात है। उसके बाद ईच एक्टिविटी इज द कॉज एंड से कॉन्सिक्वेंस, ये बात मैंने यहाँ पर भी लिखी थी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अदर एक्टिविटी, मतलब हर एक्टिविटी से कनेक्शन है, कॉज भी होगा कॉन्सिक्वेंस भी होगा, ठीक है। और ये एक्टिविटी जनरली एक दूसरी एक्टिविटी को चेज करती है, और ऐसा लगता है जैसे तीन डॉट आपस में सर्कुलर वे में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बेसिक डेफिनेशन का। तो सबसे पहले आप बेटा इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, या आप लोगों ने इसको बढ़िया से नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद जो अपन लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो हमारा यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट रहेगा, दैट इज सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी। उसके बाद में हम इसको थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको गाइस फोर सेक्टर इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं पहले टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करूंगा, फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी की, और फिर फोर सेक्टर इकोनॉमी की। क्लियर? चलिए, अच्छा, अब जो हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्टर्स इकोनॉमी के बारे में, मतलब इस सर्कुलर फ्लो में जनरली कितने सेक्टर्स की इकोनॉमी होती है। तो वैसे तो दोस्तों टू सेक्टर इकोनॉमी होता है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी होता है, और फोर सेक्टर इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो उसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं, जनरली ध्यान रखना कि चार प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। हाउ मेनी सेक्टर्स? वी हैव फोर टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, राइट? कौन कौन से दोस्तों? पहला होता है प्रोड्यूस